A very good morning to all the students of class 2. I hope you all are fine and good. बच्चों आज हम एक कहानी पढ़ेंगे. ओके आप सब रेडी हैं? सो ओपन पेज नंबर 15. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी नई कहानी. अपना घर है सबको प्यारा. सबको प्यारा है ना? हम सभी अपने घर में रहना चाहते हैं. हम सभी को अपना घर प्यारा लगता है. ये यहाँ लिखा हुआ है. आइए कहानी शुरू करते हैं. एक दिन मैं सड़क पर जा रही थी. मैंने वहाँ एक मेंढक देखा. मैंने उसे पकड़ लिया. मैं उसे अपने साथ ले आई. ये लड़की इस मेंढक को अपने साथ ले आई. मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया. मेंढक टर-टर करने लगा. मेंढक पिंजरे के अंदर फुदकने लगा. मैं पिंजरे के ऊपर बैठ गई. फिर क्या हुआ? मैं बाग में घूम रही थी. तभी मैंने एक रंग बिरंगी तितली को देखा. मैं उसके पीछे भागी. तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठती. जाली फेंकने से पहले ही वह उड़ जाती. आखिर मैंने उसे पकड़ ही लिया. इस लड़की ने इस तितली को आखिर पकड़ ही लिया. मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया. फिर क्या हुआ? मैं बगीचे में खेल रही थी. मैंने वहाँ एक गिलहरी को देखा. स्क्वेरल कहाँ है? कहाँ है गिलहरी? ये रही. मैं उसे पकड़ लिया. मैं उसे अपने साथ ले आई. मैंने उसे भी पिंजरे में डाल दिया. मेरा एक पालतू कुत्ता उसे देखने लगा. तभी क्या हुआ? पिंजरे में बंद उस सबको देखकर मुझे लगा कि वे सब उदास हैं. वे अपने घर जाना चाहते हैं. मैं कुछ देर तक बैठी सोचती रही. अगर कोई मुझे पिंजरे में बंद कर दे तो मैंने उन सबको पिंजरे से आज़ाद कर दिया. अब सब बहुत प्रसन्न थे. तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? कुछ समझ आया? नहीं ना? मैं समझाती हूँ. बच्चों सबको अपना घर प्यारा होता है, चाहे वो कोई एनिमल मींस जानवर ही क्यों ना हो. हम सबको अपने घर में रहना, अपना घर ही प्यारा लगता है ना बच्चों? आप सबको भी पता है ना कि घर कितना प्यारा होता है? तो ये थी आज की आपकी कहानी. आपको इसकी रीडिंग करनी है. ओके बच्चों, उसके आगे का काम मैं आपको बाद में कराऊंगी. ओके.